गोली आप से रुकाएगा। मैं तो बगन गार्ड में स्पून है टेंशन तलाई में चली हूं अपन एक तो मन का था मैं बेह खबरी मज पल तम सा लग भग सत बज सत बज पल सत बज पे नियस पहन जहन पोर पे इस्लामाबाद इस्लामाबाद पे यौर हमने उसको इतना खून से लथपथ करते हुए देखा खून से लथपथ हुए देखा कि हमने उसको पहचाना अपने होते हुए भी नहीं हमें इसको नहीं पहचाना। तो बाद में जब हमारा छोटा एक भाई है यानी उसने कहा कि ये हमारा चचेरा भाई है उसने उसको बालों से पहचाना है तो उसका जेब से वो मोबाइल निकाला गया तो ये हमारा चचेरा भाई था। लेकिन हम कहते हैं कि हम कितने बदकिस्मत है इसका जो बाप है वो अभी एक महीने से पहले यानी पुलिस थाने में बंद है क्योंकि खामा खा उसका कोई गुनाह नहीं है उसका कोई कसूर ही नहीं है तो उन्होंने उसको रात के 12 बजे या 2 बजे आगे बहुत ज़्यादा फौज आ गया था यहाँ तो उन्होंने उसको उठा के ले गया और कहा कि आपने यानी सिटिंग पैटर्न की है। वो 60 साल का आदमी है अब आप ही गौर करो कि आप ही तसव्वुर करो कि 60 साल का आदमी कहाँ का संगबाजी कर सकता है पत्थरबाजी कर सकता है ये हम पर जुल्म नहीं तो और क्या है। अब थाने के पास जाते हैं वो कहते हैं कि आप फलानी जगह जाओ एसपी साहब से मिलो जब हम एसपी साहब से मिलने जाते हैं तो एसपी साहब अपना मुलाकात ही नहीं देते हैं तो अब हम क्या करेंगे देखो इसका कितना ये नुकसान हो गया है कितना गम पड़ गया है अब ये क्या करेगा। उसका एक ही सहारा था एक ही बेटा था जो कमाता था जाता था मजदूरी करने के लिए और कमाता था 500-200 और अपनी इस माँ को ये माँ जो है इसकी ये भी अभी हार्ट पेशेंट है और छोटा भाई है और एक उसे एक बड़ी बहन है जो अभी शादी तक पहुँच गई है। मैं इसी के गाँव के रहने वाला हूँ। हम सुकुल पे बैठे हुए थे जब हम सुकुल से निकले तो उस टाइम इनकाउंटर ख़त्म हो गया था। फिर हम जब सुकुल से निकले तो इसने बोला मैं अपने पुफी के घर आंगन से जाऊँगा। हम पुफी के आंगन से जब निकले तो इसके आँखों पर पैलेट लगे ये वहीं पे गिर गया। मैं थोड़ी दूर चला गया मैं डर गया था मैं थोड़ी दूर चला गया फिर मैं वापस आया फिर मैंने इसको उठाया हमने फिर सोमो में इसको हॉस्पिटल जैनपोरा ले लिया वो हमारा नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्होंने रेफ़र किया इसको इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से फिर हमने जब उन्होंने थोड़ी ट्रीटमेंट कर ली फिर इस्लामाबाद से इसको रेफ़र किया गया यहाँ SMHS। सर ये इसका बाप भी ये गरीब आदमी है इसका बाप भी अंडर कस्टडी है तो हमने फिर इसको यहाँ पे लाया अब ये बिल्कुल पड़ा हुआ है बेड पे पड़ा हुआ है।